नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ जया पाठक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के कुछ अनसुने किस्से। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक समय में बेहद खूबसूरत, बेहद बोल्ड एक्ट्रेस माने जाने वाली मंदाकिनी की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मंदाकिनी का करियर ग्राफ जो एक समय काफी हाई था, राम तेरी गंगा मैली जो मूवी थी उसमें जो मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स थे वो आज तक हम सभी के जहन में है, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मंदाकिनी का जो करियर था वो एकदम गर्त में समा गया। और आज मंदाकिनी का नाम फिल्म इंडस्ट्री में अगर लिया जाता है तो बस दाऊद इब्राहिम के साथ उनके जो लिंक्ड जुड़े हुए थे उस वजह से ही उनका नाम लिया जाता है। हम आपको बता दें कि मंदाकिनी दरअसल यूपी के मेरठ की रहने वाली थी। उनका जो असली नाम है वो मंदाकिनी नहीं है बल्कि यास्मीन जोसेफ था। उनकी सबसे पहली जो फिल्म आई थी वो 1985 में आई थी, मेरा साथी। उसके बाद उन्होंने उनकी उम्र तकरीबन 22 साल थी जब उन्हें राज कपूर ने पहली बार देखा। कहा जाता है कि राज कपूर ने ही राम तेरी गंगा मैली के लिए जो मंदाकिनी है उनको पसंद किया और उसके बाद उन्हें वहाँ पर उनका नाम बदल कर उन्होंने यास्मीन से उनका नाम मंदाकिनी रख दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी रही थी। इसमें मंदाकिनी के बोल्ड सीन्स की काफ़ी चर्चा हुई थी और इस बोल्ड सीन्स में वो झरने वाला सीन तो अभी भी आपको याद होगा, जब मंदाकिनी ने एक वाइट साड़ी में झरने के नीचे का उनका सीन था जो काफ़ी सुर्खियां बटोरे हुए था। अब इस सीन ने सेंसर बोर्ड पर कैसे राज कपूर ने इसको पास करवाया था इस पर आज भी क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से मंदाकिनी का जो करियर था वो सही चल रहा था। मंदाकिनी ने कुछ फिल्में भी की लेकिन इसी दौरान मंदाकिनी का जो करियर ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा। दरअसल हुआ यूं कि 1994 में दुबई में एक स्टेडियम में दाऊद इब्राहिम के साथ मंदाकिनी का एक वीडियो वायरल हो गया। दाऊद इब्राहिम 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड कहे जाते थे और इसके बाद से ही जो मंदाकिनी का करियर था वो धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया। इस बीच मंदाकिनी ने कुछ 3-4 फिल्में की है। मंदाकिनी की जो आखिरी फिल्म थी वो 1996 में जोरदार आई हुई थी। इसके बाद मंदाकिनी को कभी भी फिल्मी पर्दे पर नहीं देखा गया। कहा तो ये भी जाता है कि मंदाकिनी की ने जो फिल्में की थी वो दाऊद के डर की वजह से जो डायरेक्टर थे वो उन्हें ऑफर करते थे, लेकिन जो दर्शक थे वो भी मंदाकिनी से कहीं ना कहीं चिढ़ने लगे थे क्योंकि मंदाकिनी को दाऊद इब्राहिम का जो वीडियो था वो वायरल हुआ था और इस वजह से लोग जो उन्हें देखना पसंद नहीं करते थे। और इसी तरह मंदाकिनी धीरे धीरे फिल्मों से कटती चली गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।